तो यार तो अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि आने वाले जो एपिसोड होंगे उसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू लुक देखने को मिलेगा। और ये बात मैंने 4 दिन पहले ही अपने लास्ट वीडियो में बता चुका था कि नया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसा हो सकता है और कैसा दिख सकता है, पर वो सिर्फ मेरा एक अंदाजा था। तो हम्स 98 के ट्रांसलेशन के हिसाब से आने वाले एपिसोड में कोई नहीं बचेगा सिवाय गोकू और जिरन के। टूर्नामेंट ऑफ पावर की आखिरी गिनती शुरू हो जाएगी और वेजिटा और फ्रीजा दोनों बाहर जा चुके होंगे। और लास्ट एपिसोड में या सेकंड लास्ट एपिसोड में गोकू अपने सारे इंस्टिंक्ट कंप्लीट कर देगा। उसकी बॉडी हर अटैक पर अपने आप रिएक्ट करेगी और ये पूरे ड्रैगन बॉल के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गोकू का होने वाला है। तो पहले हम सभी ने सिर्फ इतना सोचे थे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिर्फ अगर ब्लू ऑरा के बाद कुछ आएगा तो रेड ऑरा आएगी, पर परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यहाँ नजारा ही कुछ और है। और 3 से 4 महीने पहले जब टोरियामा का इंटरव्यू हुआ था तो उसे एक बंदे ने पूछा भी था कि सुपर सैयन व्हाइट ओरिजिनल स्टोरी में क्यों नहीं है। तो उसका ये कहना था कि अगर मुझको ब्लू के बाद गोकू के बाल कलर करने हैं तो व्हाइट ही करने हैं, पर मुझको समझ नहीं आ रहा है कि सुपर सैयन व्हाइट को स्टोरी में मैच कैसे करूं। तो अब टोरियामा ने कैसे भी करके सुपर सैयन व्हाइट तो नाम नहीं है इसका, पर सारे हेयर सिल्वर है और हल्के व्हाइट है। और टोरियामा को अच्छा मौका मिल गया और उसकी इच्छा पूरी हो गई सुपर सैयन व्हाइट की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जरिए। और गोविटा एक्सवी ने भी कंफर्म कर दिया है कि परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एपिसोड 129 या 130 में आएगा। तो आगे देखने की बात है कि हमारी उम्मीदों पर गोकू का नया लुक कितना खड़ा उतरता है, क्योंकि सुपर सैयन व्हाइट ड्रैगन बॉल एएफ में ही डिजाइन है, उसको रियल स्टोरी में लाने को किसी ने नहीं सोचा था। और ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको अनलॉक करने के बाद तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक को अच्छे से संभाल सकते हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक तो है, पर प्लस ये फॉर्म में जाने के बाद ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मदद करती है। तो अगर गोकू को पूरी तरह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक मास्टर करना है तो उसको ये फॉर्म में पहले जाना पड़ेगा, तभी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से यूज कर सकता है, जिसमें बॉडी अपने आप सारे अटैक को काउंटर करती है। बंदा कुछ सोचता समझता नहीं है कि उसको कैसे मूव करना है और कैसे रिएक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने अपोनेंट पर ही फोकस करता है और उसके सारे अटैक जो उसके ऊपर होते हैं उसको बॉडी अपने आप डॉच करती है। और मारते वक्त भी बिना कुछ सोचे समझे बॉडी बहुत हैवी अटैक करती है, जो अपोनेंट को अटैक काउंटर करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको ये नहीं समझ आता है कि बंदा कब किधर कहां से मारेगा। तो यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेगा तेनो गोकुई का एक एग्जांपल। और ये हेयर में तुमको 3 शेड देखने को मिलेंगे, ग्रे, सिल्वर और हल्का व्हाइट। और जो जेनोवर्स की जो एक गेम है जिसमें बांदाई वाले काम करते हैं टॉय के पार्टनर्स, उसमें गोकू की एक स्पेशल टेक्निक है की चार्जिंग टेक्निक। और मेरे ख्याल से ये न्यू फॉर्म में एक ऐसी टेक्निक होगी जो स्टैमिना चूस जाने के बाद भी बॉडी को चार्ज करने में मदद करेगी। और मैं इस पे भरोसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अटैक ओरिजिनल स्टोरी में होते हैं वही सिर्फ गेम में दिए जाते हैं। तो अब समझ आ गया है कि इतना स्टैमिना जाने के बाद भी गोकू ने ये फॉर्म को अनलॉक कैसे कर दिया और क्या चीज उसको मदद करेगी जिरन के साथ देर तक टिकने के लिए, वो है की चार्जिंग टेक्निक। और कुछ लोग इसको व्हिस के लुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि न्यू लुक जो है वो व्हिस के हेयर कलर और उसके आंखों से बहुत मिलता है। मैं इस थियरी से थोड़ा एग्री करता हूँ और थोड़ा सा डिसएग्री। एग्री इसलिए क्योंकि व्हिस ने ही गोकू और वेजिटा को इस बारे में बताया था और वही एक ऐसा शख्स है जो शायद ये टेक्निक के बारे में पूरी तरीके से जानता है। और डिसएग्री इसलिए करता हूँ बिकॉज शायद हो सकता है कि वो उनका पहले से ही ऐसा नेचुरल लुक हो जब से वो इस दुनिया में आए हो। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कम से कम 9-10 हज़ार लाइक तो यार कर ही दो, इजी काम है यार तुम्हारे लिए। और सब्सक्राइब भी कर दो, 100K के लिए ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।